तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से एक रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है, कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती है फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले, हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया, अनबिकमिंग कॉन्डक्ट, प्लीज कंटिन्यू, नो प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया, अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता है? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? पर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? आदरणीय समाजपति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार, इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो ये देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे, क्यों नहीं बनाया? अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे
तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में, आदरणीय सभापति जी, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते, ये सारी बातें याद आने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, धकियानों से मानने लगा गया और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई है। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव है? इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में और उसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना उसको गर्व का और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था। ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं, मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है। आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सब चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था, युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है और